अरे कोई तो एक बात तो मेरे को बताओ कि मैं आखिरकार मेरे को आप लोग छोड़ोगे कब यार। मैं पिछले 2 दिन से यहीं पे बंद हूँ और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो सामने बाबा जी यहाँ पे खड़े हैं और ये छोटी सी बच्ची बंदूक लेके खड़ी है मेरे सामने। अब कोई तो बताएगा आखिरकार कब तक मुझे यहाँ पे रहना है। पहले मेरे को ये तो बताओ ना, कर किया क्या है मैंने। आखिरकार 3 दिन बीत चुके हैं और तीसरे दिन में ही वो बंदर पागल होगा, उसका संतुलन बिगड़ेगा और तभी उसको गुस्सा आएगा और उसी वक्त ख्वान की आत्मा उस पागल बंदर के अंदर आएगी और तब असली तबाही शुरू होगी। ओ भाई मेरे, बंदर का तो पता नहीं है लेकिन अगर मेरे को गुस्सा आएगा तो काम बहुत खराब हो जाएगा। मेरे पास बहुत तगड़ी वाली बंदूकें हैं, मेरे को प्लीज जाने दो यहाँ से यार। अगर हमारी किस्मत में कोई कमी रह गई हो तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं और अब यहाँ से आप जा सकते हो। अच्छा, मतलब कि मैं ऐसे ही चला जाऊँ? ओके, तो मैं कोई बहस नहीं करूंगा। थैंक यू चक्की, जो भी इसका नाम है, और वो बाबा जी जिसने प्याज की बोरी मुंह के ऊपर डाली हुई है, थैंक यू। आपकी किस्मत में कोई मतलब कि कमी नहीं आई, थोड़ी अचार के साथ अगर चटनी मिल जाती तो अच्छा रहता। तो चलिए एनीवेज गाइस, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और मेरे को तो पता भी नहीं है बाबा जी कौन है और ये छोटी बच्ची कौन है, आई डोंट नो। जहाँ तक कि मेरे को याद है गाइस, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने पहले बहुत बड़े गॉडज़िला से, और वो गॉडज़िला कहाँ पे है, वो तो एकदम से गायब हो गया। लगता है मैंने उसको हरा दिया। देखा, मैंने आपको बोला था कि यार हम भी बहुत पहलवान बंदे हैं और हमारी सिटी हमारे सामने आ चुकी है। तो मैं ये कह रहा था कि गाइस, जब मैंने गॉडज़िला से फाइट की तो मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था और जैसे ही मुझे होश आया तो मैं उठा था नॉर्थ यंगटन में और मुझे नॉर्थ यंगटन में बंदर लेने आया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बाबा जी बंदर का भेष बदल के मुझे लेने आए हैं। और अरे, मैं पानी के अंदर फिरकी मार के गिर गया और वो मुझे लेकर यहाँ पे आ गए और मुझे 2 दिन क्यों छुपा कर रखा मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन अभी मेरे को यहाँ से निकलना पहले। चक्की गुड़िया, अभी असली मजा आएगा। इसको पता नहीं है कि ज्वालामुखी की ताकतों से सारे जितने भी बंदे अभी तक मरे हैं सारे के सारे जिंदा हो जाएंगे। और अभी सही वक्त आ चुका है कि गॉडज़िला को एक बारी फिर से शहर के ऊपर छोड़ा जाए। क्या बात है, मेरा चॉपर बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। मुझे नहीं लगता कि ये मेरा चॉपर मुझे घर तक लेके जाएगा, तो एक काम करते हैं, फटाफट से इस चॉपर के अंदर बैठता हूँ। और मुझे इतना पता है कि मेरे फार्म हाउस के अंदर, यस, हमारा ब्रांड न्यू फार्म हाउस के अंदर, जो कि बिल्कुल हाई फाई जगह पर है, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन उस फार्म हाउस की खूबी है वहाँ पे अंडरग्राउंड एक बंकर भी है। लेकिन बंकर को देखने से पहले मैं पहले ये गुफा देख लूँ। मुझे ये जगह देखनी है कि ये जगह आखिरकार है क्या और ये जगह पर मैं पहले आज तक कभी क्यों नहीं आया। तो भाई साहब, अगर यहाँ से देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा स्केरी जगह है भाई, ओ माय गॉड। तो मुझे तो टाइम भी पता नहीं कि सुबह हो रही है कि शाम हो रही है। ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर सूरज की किरणें इस प्रकार से पड़ रही हैं कि पता ही नहीं लग रहा कि भाई, ओ भाई कितनी अभी तक गाइस गुफा के अंदर वो आग, मतलब कि पत्थर के अंदर से आग गिर रही है, अजीब से काम हो रहे हैं। लेकिन मुझे इस चक्र में नहीं पड़ना, मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो मैं ये बता रहा था गाइस कि हमारे फार्म हाउस के अंदर एक अंडरग्राउंड बंकर है जहाँ पे हमारा बहुत सारा खुफिया सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है। और ठीक उसी बंकर के बाहर एक हमारे लिए ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी, जो कि मैंने छुपा कर यहाँ पे रखी हुई है, और मैं अक्सर इस लैम्बोर्गिनी को चलाता हूँ और बहुत मस्ती मारता हूँ शहर के अंदर। और स्पीड के बारे में लैम्बोर्गिनी की मैं क्या बताऊँ यार, एकदम सुपर डुपर ऊपर ऊपर से भी ऊपर है भाई, एकदम ओए। लैंडिंग और फ्लाइंग स्किल्स मेरे GTA 5 के अंदर एकदम से खराब हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सालों बाद में यहाँ, ओए ओए, ये पक्के के अंदर शेट, ओ ओ ओ, मैं गिरने वाला हूँ, ओए बच गया। वैसे मेरी लैंडिंग इतनी खराब नहीं है, मुझे लग रहा है कि जहाज के अंदर पेट्रोल कम था तो मुझे कम पेट्रोल वाला जहाज इन लोगों ने दे दिया। अभी मेरी लैम्बोर्गिनी कहाँ पे है यार, मैं तो अक्सर भूल जाता हूँ कि मेरी लैम्बोर्गिनी कहाँ पे खड़ी है। शायद ट्रैक्टर के पीछे मैं अपनी बंदूकें भी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पुलिस की आवाज आ रही है। और ये रही गाइस होली मूली, हमारी ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी। और गाइस, आपको जानते खुशी होगी कि इसके टायरों में भी मैंने लाइट लगा कर रखी है। अरे, मैं ये बता रहा था कि जब मैंने गॉडज़िला से फाइट की तो मेरे साथ ट्रेवर और बंदर था। मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ट्रेवर को फोन लगा के देखता हूँ कि वो ट्रेवर आखिरकार है कहाँ पे। भाई ट्रेवर तो नॉर्मली मेरी फोन उठा ले, अबे घंटी बज रही है, अरे मेरी ट्रेवर फोन नहीं उठा रहा, व्हाट द हेल। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि ट्रेवर मेरी फोन क्यों नहीं उठा रहा। भाई, मैं कब से उसको घंटी बजाने की ट्राई कर रहा हूँ और वो मेरी फोन नहीं उठा रहा, ये कैसे हो सकता है। वो हमेशा मेरी फोन उठाता है ट्रेवर, ऐसी बात नहीं है।
जितना मर्जी वो ड्राइवर बिजी हो ना, वो फोन मेरी हमेशा उठाता है। मैं काम करता हूँ, अरे हाईवे आ चुका है, हाईवे के ऊपर लैम्बोर्गिनी भगाने का एकदम मस्त तरीके का मजा आएगा। लेकिन मुझे सबसे पहले बंदर के घर में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को कहाँ पे है उसका घर मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर कहीं रहता है। उसको मैंने 10 बार ही बोला, ओए सॉरी ब्रो ट्रक वाले, ओए दूसरा ट्रक मेरे अंदर गाड़ी ना ठोक दियो भाई, अगर वो बड़े वाला ट्रक मेरे ऊपर चढ़ गया ना तो मेरी गाड़ी के टायर भी नहीं दिखने आप, पूरी गाड़ी ही ले जाएगा वो। तो मैंने कहा इस बंदर को 10 बार ही बोला है कि यार शहर छोड़ के, मतलब गांव छोड़ के शहर के अंदर आ जा, लेकिन वो नहीं आता। तो मैं एक बंदर को मिलने जाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हम पालक की सब्जी पालक की सब्जी लेने जा रहे थे, और तभी हमारे ऊपर गॉडज़िला ने अटैक किया। वहाँ पर ट्रैवर भी था। अब ट्रैवर मेरी फ़ोन नहीं उठा रहा, एक काम करते बंदर के पास टेलीफोन वगैरह है नहीं, तो एक काम करते मैं सीधा बंदर के घर की ओर चलता हूँ, वो मुझे पता कि वो वहीं पे मिलेगा, आसपास ही मंडरा रहा होता है, उसने कहीं नहीं जाना होता, दुनिया में उसका कोई काम है ही नहीं। और गाइस काम को छोड़ते हैं और लैम्बोर्गिनी की स्पीड की तरफ देखते हैं, भाई कैसे हवा को चीरती हुई GTA 5 की लॉस सैंटोस, बच गया। लॉस सैंटोस की सड़कों के ऊपर हम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑफ रोडिंग हो या ऑन रोडिंग हो या डर्ट रोड हो या टारमैक हो, ये गाड़ी एकदम भरपूर लेवल का प्रदर्शन आपको दिखाने ही वाली है, ये कभी आपको फेल नहीं करेगी। तो चलिए गाइस गाड़ी की तारीफें अभी करना बंद करते हैं, और ये रहा बंदर का घर आ चुका है। भाई इसको मैंने बहुत बारी बोला है कि घर रिपेयर करवा ले, लेकिन कराता ही नहीं है। आज मैं इसको सरप्राइज दूंगा अपनी धुएं वाली, इसकी फेवरेट धुएं वाली गन से मैं इसको सरप्राइज देता हूं, लेकिन वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। इसका वेरा हाउस है, वेरा हाउस में भी नहीं है। अबे बंदर वाले मुंह कहां पे है, मैं कब से यहां बाहर खड़ा हूं भाई। एक तो इसने दरवाजे भी ढंग के नहीं लगाए यार, वो कीले ठोकी हुई हैं दीवारों के ऊपर और उसके ऊपर फट्टे से लगा दिए, कहता हो गया। अबे कहाँ पे है, मुझे लग रहा है कि वो घर पे नहीं है, ये कैसे हो सकता है भाई। नॉर्मली गाइस जो बंदर या तो मेरे साथ होता है, या तो ड्राइवर के साथ होता है, या तो अपने घर में होता है, अपने पालतू जो जानवर हैं उसके गाय बहन लुमड़ी और मुर्गी बहन जितने भी उसके जानवर हैं उनके साथ ही टाइम पास कर रहा होता है। पता नहीं कैसे बातें कर, आई डोंट नो कैसे बातें करता हूँ उससे, आई डोंट नो, सारा दिन उनके साथ ही चपड़ चपड़ उसकी मस्ती रहती है। तो चलिए ठीक है, खुश है हमें क्या करना यार, वो खुश है हम खुश हैं, आप खुश हो मैं खुश हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ड्राइवर मेरी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, और बंदर घर पे क्यों नहीं है, कहाँ पे है। इट इज़ यही एक पहलू मेरे को सुलझाना है, तो एक काम करते हैं गाइस, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है और मैं घर के पास भी आ चुका हूँ, और मुझे अपनी गाड़ी यहाँ पे घर के अंदर खड़ी करनी है, और मैं बस सोने जा रहा हूँ। और अच्छा हुआ कि मेरी गाड़ी एकदम से डैमेज भी नहीं हुई, नहीं तो अमांडा एकदम से कान ही खा जाती है, ए यू डैमेज माय कार, यू डैमेज माय कार ऑल द टाइम, यही बकबक उसकी सुनते रहो। और मुझे खुद ये गाड़ी डैमेज नहीं करनी, क्योंकि एकदम सुपर फास्ट गाड़ी है, और मेरा गैरेज नहीं खुल रहा, मुझे लग रहा है कि जिमी ने इसके अंदर कोई ना कोई गाड़ी यहाँ पे खड़ी करी होगी। हेलो गाइस कोई चाय मेरा वगैरह मेरा पूछ लो, एक तो यहाँ की फैमिली भी एकदम बेकार है यार, अरे कोई चाय पूछ लो भाई, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। तो हाँ एकदम मज़ा आ गया, एकदम सोफे के ऊपर बैठ के ज़्यादा ताजगी आ गई यार। लेकिन मैं फिर से एक बारी ट्राई करता हूँ ड्राइवर को फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ड्राइवर मेरा फ़ोन हमेशा पिकअप करता है, लेकिन वो आज पिकअप नहीं कर रहा। एक बार फिर से गाइस घंटी बज रही है, नो वन इज आंसरिंग, कहाँ पे हैं। ए ड्राइवर, ए मेरी बात तो सुन रहा है ना? Yes, हाँ, monkey, तो एंग्री प्रो पुट पत्थर इन मटका। Yes, कंसंट्रेट करियो, बहुत सस्पेंस वाली जगह। ओए मेरी लैंडिंग बहुत खराब है, ओए ये पेड़ तेरे को मैंने बोला था दो पेड़, ओए लैंडिंग फट गए घोड़े, मेरी पैंट फट गई, आप ड्राइवर उतर ले अब। हाँ हाँ ए ड्राइवर तू टेंशन मत करियो, मैं लैंडिंग ऐसे करता हूँ, एक काम कर तू फटाफट मेरे पास आ, और यहाँ पे अंदर चलते हैं नॉर्थ यंगटन के अंदर, और यहाँ पर तो बहुत पटाखे पूछ रहे हैं आप। ए ड्राइवर मेरे को लगता है यहाँ पे दिवाली की तैयारियाँ हो रही हैं, हे भाव। लेकिन मेरे को तो लगता है कि दिवाली आने में अभी 6 महीने और बाकी हैं, ये अभी तक पटाखे कैसे फूट रहे हैं ये? ए, मेरे को लगता है ये ग्रिल पटाखे हैं, तभी इनमें आवाज़ नहीं आ रही। हाँ 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 मेरे को भी चाहिए, हाँ बड़े वाला जिसमें असली आवाज़ आए। Hey bro, I'm telling you bro, be careful, this is not a good place. हाँ मेरे को पता है। Let's run back and come up with a backup. हाँ, मेरे we shouldn't क्या? Be here, man. This looks dangerous. मैं खा के आया हूँ भाई, मैं तेरे को बोला था कि घर से करके आया कर, जब घर से बंदा बाहर निकलता है तो खाली होके आता है। अब मैं यहाँ पे कहाँ पे टॉयलेट करने पैदा करूँ मैं, हे अजीब बंदा यार ड्राइवर भी यार। ओ ड्राइवर हे यहाँ पर तो हे हमें लापे लग, हे ड्राइवर हमें लगता है यहाँ पे वेट करना चाहिए। ओहो मेरे को कुछ अजीब सी गर्मी आ रही है ड्राइवर, हे मेरे अंदर कोई अजीब सी गर्मी आ रही है, मेरे को पता नहीं लग रहा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। Hey bro, I'm telling you, let's get out of here. तू एक काम कर ले भाई, अरे तू झाड़ियों के पीछे कर ले, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ
कर ले। ओए ड्राइवर, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पर। ओए ये जाने से वेदर कैसे चेंज हो गया? What are you saying? Hey driver, hey मेरे को लगता है यहाँ पे बारिश होने वाली है। हाँ दिन रखावटो की रहस्या जमीन सागे अवतार रास्तों। Monkey, are you okay? I think I'm gonna go now, monkey. I think the best thing to do is get out of here. I'm gonna leave now, monkey. Hey driver, hey मेरे पे छोड़ के मत जाइयो। Hey मेरे अंदर कोई अजीब सी पावरें आ रही हैं। Hey मेरे को तो पता भी नहीं था। Hey भाव, Hey मेरे को पता भी नहीं इतना खतरनाक बंदा हूँ। Hey मेरे को पता भी नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत आग जो है यहाँ पर कवर के ऊपर मारता हूँ, शायद भी बात बन जाए।